हल्दी घाटी का युग जून 1576 में चारों शिष्ट मंडल आते हैं, चारों दूत आते हैं, एसपल होते हैं और वापिस से चले जाते हैं। अब जब भगवंत दास और टोडरमल वापिस गए थे अकबर के दरबार में, उस समय मानसिंह सुन रहा था, क्यों मानसिंह को सबसे ज्यादा इस चीज की दिक्कत हो रही थी कि मेरे को कब मौका मिले, कब मैं हल्दी घाटी जाऊं। मानसिंह पहले भगवंत दास गया, भगवंत दास ने कहा नहीं, उसने तो मना कर दिया कि वो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। उसी समय मानसिंह भाग कर यार अकबर को कहा, मैंने कहा था ना आपको वो आदमी मानने वाला है नहीं, आपने सेना नहीं दी मेरे को, पहले सेना दे देती मैं चला जाता भाग कर उसी समय और आक्रमण कर देता। टोडरमल गया, टोडरमल ने कहा, उसने कहा हमारे तो दानदाताओं की कमी नहीं है, कोई न कोई आएगा सारी संपत्ति दे देगा यहां पर आकर। फिर टेंशन हुई, मानसिंह ने फिर कहा सर अब तो सेना दे दो प्लीज। अकबर ने कहा जा तू तो ले जा सेना तेरे को चाहिए उतनी बड़ी, कर दे आक्रमण। अब हल्दी घाटी वाले मैदान के अंदर दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। इधर तो बैठा था मानसिंह, और इधर आ गया था महाराणा प्रताप। भयंकर युद्ध होता है दोनों के बीच में। अब देखो मानसिंह मुगलों का नेतृत्व कर रहा है, किसका नेतृत्व कर रहा है, मुगलों का, मतलब मुगल मुसलमान कह सकते हैं हम, प्रताप हिंदू था। प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहा था एक मुस्लिम जिसका नाम क्या था, हाकिम खान सूरी पठान। हाकिम खान सूरी पठान, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति, तो कौन था मुस्लिम सेनापति, हाकिम खान सूरी पठान। मानसिंह ने मेघजिन दुर्ग में लेकर आया, मेघजिन दुर्ग अपना अजमेर के अंदर है, ठीक है, अकबर का किला कहा जाता है उसे, उस अकबर के किले में सेना को बैठाता है, प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है कि किस किस प्रकार हमें लड़ाई लड़नी है, किसके साथ में, राणा प्रताप के साथ। अब राणा प्रताप के साथ में यह लड़ाई लड़नी है, मानसिंह अपनी सेना को पूरी तैयार कर लेता है, तैयार करने के बाद में छूट देता है कि अब लड़ाई लड़ो। अकबर स्वयं नहीं आया था। अब आपका दिमाग कहीं ना कहीं यह काम कर रहा है कि सर इतना बड़ा युद्ध था सर, तो इसमें अकबर क्यों नहीं आया, इस बात का कोई जवाब दे सकता है क्या कि अकबर यहां पर लड़ने के लिए क्यों नहीं आता है। यदि अकबर चार आदमी समझाने के लिए भेज सकता है, उसका सपना था, सपना नहीं नाक कान का सवाल हो गया था लास्ट में आते आते कि मेवाड़ को अधीनता स्वीकार करवा लो, चाहे किसी भी प्रकार करवा लो, पैसे देकर भी करवा लो, रिश्वत देकर करवा लो, लेकिन अधीनता स्वीकार हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी यह बात नहीं मानी गई, ना प्रताप अधीनता स्वीकार करेगा नहीं। अकबर के दो गुरु थे, अकबर स्वयं तो अनपढ़ आदमी था, इसीलिए तो यह नवरत्न रखे थे जो मैंने आपको नवरत्न बताए थे ना, खुद को तो कुछ आता नहीं था, जहां था नकी को नहीं आने कै कबूतर कह खरगोश बिया बने भी आवेगा कै कबूतर कह खरगोश सगड़ा मैं यहाँ जो बोर्ड पर लिखो, बोर्ड पर कौन लिख दिया, कापी में लिख दियो, कापी में मेरे के काम है कापी में लिखेड़ा। अब देखो आगे की बात, तो अकबर के दो गुरु है, एक का तो नाम है शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम ये तो था इसका वो पढ़ाने वाला गुरु जी की एक दो आंख जिता बिहा बे अण सिखाया, एक वो अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ वो जो को अब्दुल लतीफ है अण कहो मानसिंह अकबर ने कि तू भूल गए भी प्रताप के खिलाफ ना उठ जे, हो सके बटे तन हारनो पड़े और हो सके तेरी मौत भी हो जावे। अकबर पूछो गुरुजी बताओ किन भेजू फिर, भाई मैं नहीं लड़ूंगा मतलब मेरा मुसलमान होने पर अधिकार है, तो तू भेज हिंदुओं के खिलाफ हिंदू ने, जे जीतेगा तो तेरी वाबा कि अकबर का सेनापति जीत गया, मरेगा तो हिंदू मरेगा, तेरा कुछ नहीं जाएगा, हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ भेज। तब इसने चुना था मानसिंह को अब्दुल लतीफ के कहने से। अकबर के कितने गुरु थे, शेख सलीम चिश्ती और अब्दुल लतीफ। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, जहांगीर को बचपन में सलीम कहा जाता था, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, सलीम, और अकबर उसे कहता था शेखू बाबा, ठीक है, तो इसके नाम पर शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद पर उसका नाम सलीम रखा था। और अब्दुल लतीफ के कहने से इसने किसको भेजा था, मानसिंह को भेजा था। मानसिंह आता है, मानसिंह यहां पर आता है, इतिहासकार और अकबर का एक दरबारी विद्वान था बदायूनी, बदायूनी। जब मानसिंह वहां से चला, तैयारी कर रहा था आगरा से यहां पर आने की, तब बदायूनी मानसिंह के पास में गया, जाकर कहा दादा मेरे को साथ ले चल यार। इसने कहा साहब वहां जाकर कलम नहीं चलानी, आप रहे दरबारी विद्वान, आप किताबें लिखते हो, वहां पर तलवार चलानी है। इसने कहा चला लूंगा,
अरे चलाना तो दूर की बात है, आप है जो लड़ाई में काम में ली जाती है वो तलवार उठा नहीं सकते, 52 किलो वजन होता है उसमें। इसने कहा दोनों हाथों से उठा लूंगा, पर कम से कम ले तो चल। चलो उसको ले आता है साथ में कि आप भी अपने मन वाली काट लेना। इसने कहा था कि मेरे को वहां जाकर जिहाद करना है। जिहाद का मतलब होता है कि हिंदुओं को मारूंगा और हिंदुओं के खून से या काफिरों के खून से मेरी दाढ़ी को लाल करूंगा। तब कहा बदायूनी तू भी चल। बदायूनी भी आ जाता है, आसफ खां भी आ जाता है, मानसिंह के साथ में एक सेनापति और आया था जिसका नाम था आसफ खां, ये आसफ खां भी आ जाता है। अब यहां पर आकर लड़ाई शुरू हो जाती है। यह जो हल्दीघाटी वाला युद्ध है यह गोगुंदा और खमनोर दो पहाड़ियां हैं। एक पहाड़ी का नाम गोगुंदा की पहाड़ी है, दूसरी पहाड़ी का नाम खमनोर की पहाड़ी है। दोनों पहाड़ियों के बीच का जो दरा है, जो बीच का रास्ता है, उस रास्ते में लड़ा गया था यह युद्ध। जो पहाड़ी या जो रास्ता था दोनों पहाड़ियों के बीच, इस साइड से महाराणा प्रताप अपनी सेना लेकर आता है, इधर से मानसिंह अपनी सेना लेकर आता है। पहला जो वार होता है वो राणा प्रताप की तरफ से हुआ था। पहला वार किसने किया था? राणा प्रताप ने किया था। राणा प्रताप का वार इतना खतरनाक होता है कि प्रताप इस सेना के पीछे भागता है मानसिंह की सेना में, और उस पहाड़ी के बीच में खड़ा था एक साइड में। लाइव चला रखी होगी, चलो ठीक है। उस पहाड़ी पर एक साइड में खड़ा था यह बदायूनी, और बदायूनी ने इस बात को देखा बड़ा आराम से, और बदायूनी आसफ खान को कहता है कि आसफ खान जी यह बताओ तीर किस पर चलाऊं, आगे हिंदू ही भाग रहा है, मानसिंह की सेना वापस भाग रही है और पीछा कर रहा है प्रताप की सेना, कि किस पर चलाऊं बाण, समझ में नहीं आ रहा है, हिंदू ही हिंदू दिखाई दे रहे हैं मेरे को। तो तब आसफ खान ने कहा आप तो आंख बंद कर लो और तीर चला दो, मरेगा तो हिंदू, चाहे मानसिंह वाला मरे चाहे प्रताप वाला मरे, तू जो काम करने के लिए आया था वो तेरा काम सही हो जाएगा, मतलब तू तेरी दाढ़ी रंग सकता है। इतने में प्रताप वाले किसी सैनिक ने देख लिया बदायूनी को कि वो तीर चलाने वाला है अब, और उसने भयंकर तरीके से तीर चला दिया बदायूनी की तरफ, और वो तीर बिल्कुल आंख के नजदीक से गया। तो बदायूनी ने अपनी एक पुस्तक के अंदर यह बात वायदा लिखी थी कि हल्दीघाटी वाले मैदान में मैंने मौत को बहुत ही नजदीक से देखा था, मरने वाला था, तीर यहां से चला गया था। तब उसने देखा नहीं नहीं मेरे को तो नए तो करना है जिहाद, नए दाढ़ी रंगनी है, मैं जा रहा हूं वापिस, ठीक है। आसफ खान ने कहा कि भाग कहां रहे हो, कि नहीं भाई साहब आदमी इतने खतरनाक है, एक एक थप्पड़ मारेंगे, ये मरना जानते है हारना जानते ही नहीं है, इसने इज्जत का सवाल बना दिया कि हारना नहीं है मारेंगे। अब इस युद्ध को एक बात बताऊं मैं आपको कि हल्दीघाटी का युद्ध क्यों कहा जाता है। अब की बार जो नौवीं क्लास की बुक है वो एक दिन मैं पढ़ रहा था, उस बुक में मैंने एक बात पढ़ी थी कि हल्दीघाटी वाले युद्ध को हल्दीघाटी का युद्ध क्यों कहा जाता है। तो आप सबको पता है कि यहाँ की मिट्टी का रंग पीला है, हल्दीघाटी की मिट्टी कैसी है? पीली है, इसीलिए इसको इस घाटी का नाम हल्दीघाटी दे दिया, भी हल्दी कलर की घाटी है इसलिए हल्दीघाटी हो गई। और पता नहीं कौन से भूगोल ने लिखी है एक किताब के अंदर बात है कि इस युद्ध में महिलाओं ने भाग लिया था, और जो महिलाएं भाग ले रही थी उसके हाथों पर हल्दी लगी हुई थी, इसलिए इस युद्ध का नाम क्या दे दिया। जच्चा क्या बात आ रहा है, महिला इस युद्ध में भाग लेने जास कह गए ना, ना मतलब भी कौन, महिलाओं ने तो समय तलवार नए समय बालो, महिला एक ही चीज समझ के बठड़ है, बिंगमा वजन चाहे 25 किला वे चाहे 30 किला वे, सिर पर 25-30 किला वजन और सामू जे दूसरी बाई मिल गई तो 1.5 घंटा खड़ी खड़ी इया कर बोकरसी, लेकिन आगे पीछे कौन जावे, और चुगली करते सी 7 करांगी मात्र और मात्र 5 मिनट में। सही है बात, स्वीकार कर। आजकल की छोरिया कौन कुम है, थे थार पर ना ले करो बात भी, गुरु जी थे माने कह दिया बात। आज बात है पहली की है, कभी देख लियो चेचे दो लुगाया खड़ी हो जैसी सिर पर पानी का घड़ा चकेड़ा हो, सिर बैठा कर बोकर सी नाड़ टूट बोकर सी टूटो से नाड़ पड़ जाओ से अताई जरूरी है, ठीक है। तो हल्दीघाटी वाले युद्ध के अंदर यह सीन बनता है भयंकर तरीके से, महाराणा प्रताप और मानसिंह दोनों एक समय आमने सामने आते हैं इस युद्ध के अंदर। देखो मैं बताता हूं आपको, महाराणा प्रताप और मानसिंह, प्रताप अपने घोड़े पर बैठा था, प्रताप के घोड़े का नाम बताओ दिखा, चेतक। मानसिंह, मानसिंह बैठा था अपने हाथी पर, मानसिंह के हाथी का नाम क्या था, मर्दाना। क्या नाम था, मर्दाना। अब ये मर्दाना हाथी और चेतक दोनों की हाइट मैच नहीं हो रही है, घोड़ा छोटा रह गया हाथी बड़ा रह गया। अब चेतक चाहता है कि मैं मानसिंह से सीधी मुलाकात करा दूं प्रताप की, तो दोनों आप ऊपर आपस में लड़ सकते हैं। इस घोड़े ने क्या किया, मर्दाना हाथी के सूंड पर आगे वाले दोनों पैर लगा दिए, ये लो साहब करो बात आराम से।
और महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर इतना खतरनाक तरीके से एक वार किया। हाथी के ऊपर बैठने के लिए एक होज्जा बना होता है, उसको होज्जा कहते हैं। मानसिंह तो उस होज्जे में चिप जाता है, पीछे बैठा था कोई इसका सेनापति, वो मारा जाता है। इतना भयंकर तरीके से वार था महाराणा प्रताप का। जब यह लड़ाई होती है और घोड़ा समझता है कि ऊपर वाला काम निपटा लिया और अब प्रताप वापस नीचे उतरेगा, तो वो दोनों पैर वापस उतार रहा है नीचे। जब वापस दोनों पैर उतार रहा था तो मानसिंह बड़ा चतुर आदमी था, इसने इस मर्दाना हाथी के सूंड पर चाकू मान रखे थे, नाइफ लगा रखे थे दो, और महाराणा प्रताप वाले घोड़े चेट के दोनों पैर कट जाते हैं आगे से। अब वो लड़ नहीं सकता, मुंह नहीं कर सकता अच्छे तरीके से, अब समस्या हो गई। अब चेटक को जैसे देखा प्रताप ने, प्रताप ने सारी लड़ाई को बुला दी एक मिनट के लिए कि नहीं नहीं मेरे लिए चेटक से बढ़कर कोई नहीं है, और तुरंत जैसे तैसे करके घोड़े को बाहर निकाल लेता है मैदान से। जैसे ही राजसमंद के अंदर एक स्थान पड़ता है बलीचा, क्या नाम है बलीचा, हल्दी घाटी वाला मैदान भी तो राजसमंद में ही है, बलीचा नामक स्थान पर चला जाता है। जैसे बलीचा नामक स्थान पर गया, अकबर सॉरी प्रताप का छोटा भाई याद करो, वो शक्ति सिंह, शक्ति सिंह किसकी तरफ से है, अकबर की तरफ से, वो अकबर की शरण में चला गया था नाराज होकर। उसने अपने भाई के प्रति देखा प्रेम कि नहीं नहीं यार, अकबर मेरे लिए क्या है, है तो भैया ही है सब कुछ। और वो जाता है वापस अकबर के पास, उसके प्रताप के पास में धीरे धीरे, और जाकर अपना घोड़ा सौंप देता है। क्या नाम था उसके घोड़े का, अटक। ये लो भैया आप तो इस पर लड़ो, इसका अंतिम संस्कार मैं करता हूं। उसका बेचारे का खून सारा बह जाता है, अटक यहां पर चेटक मर जाता है। मरने के बाद में अंतिम संस्कार किया गया था वाकायदा बलीचा राजसमंद में, कहां पर किया गया है बलीचा। चेटक का चबूतरा बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है यहाँ पर, बड़ा अच्छा देखा। अभी जाओ तो हल्दी घाटी देखने के लिए तो ये चीज जरूर देख रहा कि चेटक घोड़े का चबूतरा कैसा बना हुआ है। उसके बाद में वापस अटक पर बैठ रहा है, तो दोनों भाई थे, अच्छा घोड़ा था, सेम वो की वही कंडीशन, जैसे चेटक लड़ रहा था उसी प्रकार लड़ रहा है ये भी। और अब की बार हाथी से मानसिंह को नीचे उतार लेता है, आ जा। जैसे मानसिंह को पकड़ा, पूरी सेना ने हथियार डाल दिया, नहीं सर मानसिंह को कुछ मत करना, हम सरेंडर करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। सबको कहा हथियार रख के बैठ जाओ, एक गहरे में बैठा लिया, और अपनी सेना को कहा चारों तरफ यहां पर खड़े हो जाओ, एक एक आदमी की इतनी इतनी बोटियां काटनी है, एक को भी जीवित नहीं छोड़ना है। अब वहां पर मानसिंह ने एक बात कही थी कि प्रताप तू भी राजपूत है, मैं भी राजपूत हूं, इतना गलत सलूक तो मत कर कि तेरे साथ, तेरे को मैं पीने के लिए पानी नहीं दूंगा, खाने के लिए खाना नहीं दूंगा, और यहां पर भूखा प्यासा तड़पा तड़पा कर मारूंगा तेरे को। मानसिंह ने कहा यार ये तो बहुत गलत कर रहा है, हाँ हमने सीखा यही है, जो हमारे साथ में गलत करता है उसके साथ में हम 100 गुना गलत करते हैं। उल्लेख मिलता है इतिहास में कि मानसिंह इतना मजबूर हो गया था कि यहां पर अपने घोड़े को काटकर उसकी बोटियां खानी पड़ी थी, पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना नहीं देता है। पता नहीं इतिहास कैसा लिखा गया है, लोगों ने यह बात लिखी है, सत्यता को छुपाया है कि हल्दी घाटी वाले युद्ध में कौन जीता था, मानसिंह जीता था। अरे मानसिंह जीतता तो आगे की बात सुनना ध्यान से। अब होता क्या है, मानसिंह को यह बंदी बना लेता है, फिर प्रताप की ही जनता जो मेवाड़ की आम जनता थी वो उस सीन को देखने के लिए आती है। यदि जो घेराबंदी बना रखी थी प्रताप ने, उस घेराबंदी से कोई आदमी बच जाता जीवित और बाहर निकलने में सफल होता, अपने आप ने हेलीकॉप्टर बना दे तो सीधे अकबर कन जाके आगरा लैंड हो, तो वो पाछो घूम गए कौन देख, तो जागे का तो बहुत बुरो काम। अकबर तू भूल गए नाउड जी, वो तो मानसिंह है, बिना जुलम सहन कर ला गए, तू बिता जुलम सहन ही कौन कर पाओ। आ कंडीशनों की जनता समझायो प्रताप ने कि राणा जी ऐसे मत करो, कोई बात नहीं, आ गया मानसिंह, मानसिंह को छोड़ दो। जनता के समझाने से प्रताप ने कहा चलो मानसिंह आ जा, जा आपको छोड़ा जाओ। अब मानसिंह जाता है अकबर के दरबार में और जाकर चुपचाप सावधान खड़ा हो जाता है। अकबर पूछता है कि बता प्रताप ने अधीनता स्वीकार कर ली, नहीं की सर, नाड़ी अलावा फिर बोलना तो जवाब को कौन करी, पकड़ने में सफल हो कौन, युद्ध जीत्यो कौन जीत्यो, हरामजादे की डोडी बंद करवा दो, इसके घोड़े को शाही दाग से मुक्त करवा दो और इसकी मनसबदारी छीन लो और दरबार में नहीं आएगा आज के बाद में। बताओ जो आदमी हल्दी घाटी का युद्ध जीत कर जाता उसके साथ में इतना बड़ा सलूक कर सकता है क्या? यदि मानसिंह युद्ध जीत कर जाता तो पूरे भारत में सोने की मूर्तियां लगती मानसिंह की, युद्ध तो उसी ने जीता था जिसका घोड़ा हर चौराहे पर मिल जाएगा आपको, प्रताप चौक, कौन से शहर में चले जाना आप, लोग जानते हैं महाराणा प्रताप को। जब आप राजस्थान के अंदर एक किसान आंदोलन पढ़ोगे, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रदर्शनी लगी थी प्रताप नामक समाचार पत्र में कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, हमारी खबर छपनी चाहिए। वो खबर जो छपी थी वो किसने छपवाई थी, कोई बता सकता है क्या?
बिजोलिया की खबर प्रताप नामक समाचार पत्र में किसने छपवाई थी? वो छपवाने वाला आदमी था विजय सिंह पथिक। कौन था? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह जो पथिक है वो कहां का रहने वाला था? गुढ़ावली बुलंदशहर यूपी, और प्रताप कहां का है? मेवाड़ राजस्थान का है। यूपी का कोई आदमी प्रताप को इतना बढ़िया तरीके से जानता है कि इस अखबार के अंदर, प्रताप नामक समाचार पत्र के अंदर यदि हमारे बिजोलिया की खबर छप जाए तो अपना आंदोलन उग्र हो सकता है खतरनाक तरीके से। दूसरी बात यह कि वो जो समाचार पत्र है, प्रताप नामक समाचार पत्र है, वो प्रकाशित होता था कानपुर से। कहां से होता था? कानपुर। और कानपुर भी कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और आगरा कहां पर है? यूपी में। आगरा के अंदर प्रताप रहता, वो सॉरी अकबर रहता था। और कानपुर से, गुढ़ावली बुलंदशहर से इतने बड़े आदमी जो अच्छे तरीके से जानते हैं महाराणा प्रताप को कि प्रताप कैसा था, यह बात आपको मैं और अच्छे तरीके से बताऊंगा जब बिजोलिया पढ़ाऊंगा उसमें। और उस कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र का जो संपादन करता था उस आदमी का नाम था बच्चों गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी उस समाचार पत्र को वहां से प्रकाशित करता था। अब मानसिंह को, मानसिंह का जो घोड़ा था उसको तो शाही दाग से मुक्त किया गया। शाही दाग समझ गए क्या आप? शाही, शाही एक राजघराने का शब्द होता था कि यह शाही है, मतलब शाही बड़ी चीज को माना जाता था। शाही दाग यह राजघराने का एक दाग लगता था, एक निशान लगता था जिसे लोग समझते थे कि यह सुल्तान का कोई निजी आदमी है, निजी रिश्तेदार है। उस घोड़े से लोग पहचान जाते थे, फिर उसके हिसाब से उसके साथ में बातें किया करते थे। मनसबदारी क्या होती है भाई? मनसबदारी, इसकी मनसबदारी छीन ली जाती है। और राजपूतों में मानसिंह के पास में सबसे बड़ी मनसबदारी थी, कितनी? 7000। राजपूतों में कोई राजपूत मानसिंह था जिसके पास में सबसे ज्यादा मनसबदारी थी, और वो कितनी थी? 7000। ये दोनों चीज क्या होती है? शाही दाग तो मैंने बता दिया, मनसबदारी क्या होती है इसके बारे में आप थोड़ी सी बात बताओ मेरे को कि सर मनसबदारी क्या चीज है। मनसबदारी, मनसबदारी होती है जैसे एक राजा है, वो अपने सेनापतियों को अपने अंडर में रखना चाहता है, सैन्य व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहता है, तो वो एक पद दे देता है उस सेनापति को, मनसबदार का पद, और उसको कहता तेरे पास में 5000 की मनसबदारी है, आज से तू मेरा 5000 का मनसबदार है। इसका मतलब वो जो सेनापति होगा, जो कमांडर होगा, उसके पास में 5000 सेना तो उसकी खुद की होगी, और 5000 सेना हर टाइम उसको राजकीय मिलेगी, अकबर की तरफ से मिलेगी या शासक की तरफ से मिलेगी, तो कुल मिलाकर सेना कितनी होगी? 10000। मनसबदार सिर्फ 5000 का है, सेना कितनी हो गई? 10000। और उस 10000 सेना का खर्चा दरबार उठाएगा, राजकीय सरकार उठाएगी, और उसमें वो उसकी पर्सनल सेना होगी, वो जहां जाए वो अपने साथ में उस सेना को ले जा सकता है। प्लस में यह बात कि 5000 रुपए मासिक वेतन के रूप में और दिए जाते थे उस समय, जो मुद्रा चलती थी उसके हिसाब से। अकबर भारत में सबसे पहले इस प्रथा को अपनाता है अपनी सैन्य व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए। 1582 में इस पद का सृजन किया गया था, मनसबदार के पद का। अकबर का सबसे बड़ा मनसबदार कौन था? अकबर का सबसे बड़ा मनसबदार मानसिंह। मानसिंह के पास में तो 7000 की मनसबदारी है। यार एक बात और बता दूं, यह सबसे बड़ा पद था 7000 का, इससे ज्यादा किसी को मनसबदारी मिली नहीं थी। तो भी अकबर का सबसे बड़ा मनसबदार कौन था? अब तो बता दो, मानसिंह हो? नहीं, अकबर का सबसे बड़ा मनसबदार था बच्चों मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका, इसके पास में भी कितनी मनसबदारी थी? 7000 की। हुआ क्या था? मिर्जा अकबर, सॉरी बाबर, बाबर के पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख। बाबर के पिता का क्या नाम था? मिर्जा उमर शेख था। इसका क्या नाम है? मिर्जा अजीज गोका। इसका मतलब ये इनकी पैतृक उपाधि है। बाबर पहला आदमी था जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की और अपने नाम के आगे बादशाह लगाना शुरू किया था। यह पैतृक उपाधि का उसने त्याग किया था, मिर्जा की उपाधि का त्याग किया था। 7000 की मनसबदारी सिर्फ और सिर्फ मुगल राजकुमारों को मिलती थी, जो मुगल समाज से होगा उन्हीं को सबसे ज्यादा बड़ी ये मनसबदारी मिलती थी। यह मानसिंह पहला आदमी है जो मुगल न होते हुए भी इसने कितनी मनसबदारी ली थी? 7000 की मनसबदारी। समझे मेरी बात? यदि पूछा जाए कि विश्व के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, उसमें सबसे पहले इस पद को किसने काम में लिया था, तो मंगोल नेता था जिसका नाम था चंगेज खान। मंगोल नेता था चंगेज खान।
चंगेज खान। इस चंगेज खान ने सबसे पहले विश्व इतिहास में इसको काम में लिया था, भारत के इतिहास में काम में लेने वाला आदमी अकबर था, और अकबर ने सबसे ज्यादा मनसबदारी मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह को दी थी, दोनों को 7,000 की मनसबदारी। ठीक है, आज हो गया मेरा टाइम, बाकी बात करेंगे कल। हल्दीघाटी वाले युद्ध में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये कोई बात रह भी गई है तो मैंने पूछ सको अभी 2 मिनट खातर, मैं खड़े होता सामने। कोई क्वेश्चन पूछो। हाँ, इसको किसने क्या कहा था युद्ध के बारे में, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत था, वो कल बताऊंगा मैं आपको किसने क्या कहा था। इसके अलावा यदि किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। इसको खमनोर का युद्ध कहा जाता है, इसको गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है, इसको मेवाड़ का थर्मोपली कहा जाता है, और इसको बादशाह बाग का युद्ध कहा जाता है। इसके 4 अलग अलग नाम दिए गए अलग अलग इतिहासकारों ने। रकत तलाई, हाँ गोगुंदा, हाँ हल्दीघाटी, और हल्दीघाटी वाले दरा और गोगुंदा दोनों के बीच का जो स्थान है उसको रकत तलाई के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर इतना खून बह गया था कि एक तलाई बन गई थी, तालाब बन गया था, उसको रकत तलाई के नाम से जाना जाता है। यहीं पर हाकिम खान सूरी पठान की मजार बनी हुई है, हाकिम खान सूरी पठान की मजार हमने पढ़ा था अभी, हाकिम खान सूरी इसकी मजार बनी हुई है। ओके रामा, वीडियो क्लोज कर।